हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है। ऑलमोस्ट मुझे एक महीना हो चुका है कोई वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सुलझानी थी, बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था मैं। तो अब रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए आएंगे, डोंट वरी। आप जो भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पर या फिर वर्क वीज़ा पर माल्टा आना चाहते हो, आप सभी लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट आएगा, रेगुलर आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है माल्टा में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि CBU की तरफ से और जो एम्बेसी की तरफ से काफ़ी सारी अपडेट आई थी पीछे भी, और बहुत सारी सिचुएशन चेंज हुई थी। तो अभी स्टूडेंट वीज़ा का कैसा प्रोसेस है, मतलब क्या अभी चेंजेस आए हैं उनमें, ये चेंजेस इन्होंने क्या किया है कि आप लोगों का जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस था, जो आप सीधा आप जो अपना पासपोर्ट था वो माल्टा भेजते थे और माल्टा से आपका पासपोर्ट स्टैम्प होकर इंडिया वापस जाता था, उसमें सिर्फ ये चेंजेस है कि आप लोग अब VFS को अपनी फाइल सबमिट कराओगे, VFS आपकी जो फाइल है वो माल्टा भेजेगी और माल्टा से ही आपका इंटरव्यू होगा, वहीं से आपका वीज़ा इशू होकर आएगा। बट जो पासपोर्ट भेजने वाला काम था वो आप खुद नहीं करोगे, वो VFS करेगा। उसकी फ़ीस वगैरह भी पहले आप लोगों को पता ही थी कि 150 यूरो वो लेते थे, और जो VFS की फ़ीस होती थी तो वो तो इंक्लूड है ही। और जो अपॉइंटमेंट की बात करें, जो कॉलेज की तरफ से अपॉइंटमेंट मिलती है उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता, आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे पूरा प्रोसेस होगा, हर एक स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मतलब इस स्टेप के बाद क्या स्टेप होगा, मतलब आपका जो प्रोसेस होगा ना स्टेप बाय स्टेप होगा, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट है वो आपका कॉलेज आपको लेकर देगा। कॉलेज से अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप लोग जाओगे VFS में अपने डॉक्यूमेंट लेकर। चेकलिस्ट में भी काफ़ी सारे चेंज आए हैं, जो पहले चेकलिस्ट होती थी अब वो दोबारा से मतलब वही स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपकी फाइल VFS में जाती है तो VFS की चेकलिस्ट अलग है। अब आपको वो GDPR फॉर्म या फिर बैंक कार्ड वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नॉर्मल जो चेकलिस्ट पहले चलती थी वही चेकलिस्ट अब चलेगी, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता देता हूँ, पिछले एक महीने से मैं इसी चीज़ में लगा हुआ था आप लोगों के लिए कि मुझे कुछ ऐसे कॉलेज चाहिए थे जो यहाँ के रेप्यूटेड कॉलेज हों और जेन्युइन भी हों, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मेरी दो कॉलेजों के साथ डील हुई है, ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा और एक EI इंस्टीट्यूट, इन दोनों कॉलेज से मेरी डील हुई है। आप जिस भी कोर्स में आना चाहते हो, चाहे जैसा मर्जी कोर्स हो, चाहे एक साल का कोर्स हो, दो साल का, या फिर आपको ग्रेजुएशन करनी है या मास्टर्स करनी है, आप जिस भी कोर्स में आना चाहते हो आप हमारी कंसल्टेंसी के पास जा सकते हो, वहाँ पर अपनी फाइल लॉगिन करा सकते हो, आप वहाँ से अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हो, ठीक है। जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आप लोगों को उसी टाइम बताए जाएंगे कि ये आपका चार्जेस लगेगा और इतना आपका खर्चा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली मेरे साथ मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे वहाँ का कॉस्ट बताओ या फिर ऐसा कुछ बताओ, तो भाई मेरे लिए इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर काम भी करता हूँ, जैसे वर्क परमिट में मेरा चेंज हो गया है, फैमिली भी संभाल ली है, तो वो सब कुछ उनके बीच में मतलब बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई दे पाऊँ। तो जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप मेरी कंसल्टेंसी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आप वहाँ से अपनी प्रोसेस के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। और चेकलिस्ट हो गया आपका और अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट आपका कॉलेज से मिलेगा, चेकलिस्ट आपको पुराने वाली चाहिए, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका वीडियो कॉल पर होगा और वो आपका CBU ही लेगा, और वीज़ा आने के चांसेस वहाँ से भी ज़्यादा है। CBU का प्रोसेस थोड़ा सा सही है, क्योंकि एम्बेसी बहुत सारे वीज़ा को बिना बात के, आई थिंक, मुझे नहीं पता उनका रीज़न क्या होता है, बट बिना बात के वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस थे जो भी रिसेंटली आए थे पिछले महीने मैं पूरा बिजी था, मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया, बट अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो भी बनाऊँगा। और जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी अगर आपको अपनी फाइल प्रोसेस करानी हो माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा में डील नहीं करता हूँ, तो वर्क वीज़ा के लिए आप प्लीज़ ना पूछें मेरे से, क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल, मेरी तरफ से मतलब बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ का वर्क परमिट, यहाँ का वर्क परमिट में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट स्टडी वीज़ा अगर आप लोग अपना प्रोसेस कराना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मेरी कंसल्टेंसी को वहाँ का नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो, उनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो वीडियो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।